इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार में गुरुवार को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी की एक नेता की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया। इसी को लेकर पटना में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन को बिहार सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में सुपौल के गांधी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आमरण अनशन किया गया। वहीं लाठीचार्ज में शहीद हुए जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह को पुष्प अर्पण भी किया गया। इस मौके पर गांधी मैदान सुपौल में भारी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का उपस्थित देखने को मिला। वहीं बिहार सरकार के अंधा कानून के विरुद्ध भाजपा कार्यकर्ताओं के आंखों में आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष विशाल मिश्र के द्वारा भाषण देते क्या कहा सुनते हैं उनकी जुबान। सरकार बननी चाहिए दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे देवकुंड जन का, जब तक आप लोगों का साथ भाजपा को नहीं मिलेगा तब तक संभव नहीं है कि हम लोग ये चाचा भतीजा की पंतू राम की जोड़ी को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनका जो है शहीद हम लोग जाया नहीं कमाएंगे। इनके ये जो शहीद हुए हैं इनको गवाना नहीं है, याद दिलाना है उस टाइम जिस टाइम चाचा भतीजा की गोरी आप लोगों के बीच वोट मांगने आएगी, उस समय याद दिलाना है कि लाठीचार्ज किस तरह होता था और किस तरह आप लोग छोटी छोटी बातों पे लाठीचार्ज करते थे और ये किस तरह की शासन था। इनको जब याद दिलाया जाएगा तब इनके समझ में आएगी नहीं ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है और ये लाठी की सरकार नहीं है और ये लोकतंत्र को लक्ष्य तंत्र बना दिए हैं। ये लक्ष्य तंत्र अब नहीं चलेगा बिहार में, बिहार की जनता जाग चुकी है और ये चाचा भतीजा को भगाने का काम हम लोग 2425 में करेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।